एक कपोतक पक्षी की तीन बातें। एक कपोतक पक्षी के तीन प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ध्यान लगा करके सुन लिया तो आप जीवन में कभी भी कहीं पर कोई भी धोखा नहीं खा सकते। तो जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, एक ऐसी कपोतक पक्षी की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद हमें और आपको बहुत सारी ढेर सारी प्रेरणाएँ मिलेंगी। तो दोस्तों, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी कोई बात समझ में आएगी। तो आ जाओ, कहानी प्रारंभ करते हैं। किसी पेड़ पर और एक कपोतक नाम के पक्षी का जोड़ा रहा करता था। उनका घोंसला था। बड़े हर्षोल्लास बड़े प्यार के साथ में दोनों आपस में रहते थे, मेल बना करके। मेरे भैया, बारिश का मौसम था, रिमझिम बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो वो दोनों पक्षी अपने घोंसला में बैठे हुए थे और तभी विधि के विधान को कौन मिट सकता है, उसी समय एक दूसरा कपोतक पक्षी, तीसरा, दो तो पहले से ही उस घोंसला में बैठे हुए थे, एक तीसरा कपोतक पक्षी और आकर के उनके पास उन्हीं की डाली पर बैठ गया। जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रिमझिम बारिश पड़ रही थी, उसमें भींग रहा था। तो उसने हाथ जोड़ करके उस कपोतक पक्षी के जोड़ा से कहा, भैया अगर आप लोगों की मेहरबानी हो जाए तो इस पेड़ पर तुम्हारे ही घोंसला में और मैं रात्रि गुजारना चाहता हूँ। तो उनमें से एक पक्षी ने कहा, बोले पागल है क्या है? बोले हमारे घोंसला में केवल हम दोनों लायक ही जगह है, तीसरा नहीं बैठ सकता इसमें कोई। मेरे भैया, बार बार वो विनय कर रहा है तीसरा पक्षी कपोतक, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। तो उसने विचार किया कि अब मुझे मरना तो है ही, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं ज़बरदस्ती बैठ जाऊं। मेरे भैया, उड़ करके और उन जो पहले से दो पक्षी बैठे हुए थे उसी घोंसला में उनके ऊपर जा करके बैठ गया। जैसे ही ऊपर बैठा, उसने धक्का दे करके नीचे गिरा दिया और फिर उड़ करके डाली पर बैठ गया। कहने लगा, बोले तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, जो तुम हम मेरा सहयोग नहीं कर रहे हो, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता करो। मेरे भैया, अब थोड़ी बहुत देर और बीती जब उसे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मर जाऊंगा। विचार किया, वैसे अच्छा तो मैं इन्हीं के साथ मर जाऊं। दोबारा उड़ करके फिर उनके ऊपर बैठ गया। अब वो दोनों पक्षी बार बार विनय कर रहे हैं, बोले भैया हमारे घोंसला में इतनी जगह नहीं है, केवल हम दो लायक ही जगह है, और अगर इसमें पर्याप्त स्थान होता तो मैं ज़रूर तुम्हें इस घोंसला में रोकने की अनुमति दे देता। लेकिन वो पक्षी नहीं मान रहा है, उड़ करके उनके ऊपर बैठ जाता है। मेरे भैया, वो धकेल देते हैं, नीचे गिर जाता है, लेकिन उड़ करके बार बार एक ही बात कहता है, मुझे मालूम पड़ गया कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम अपनी ही जात, अपनी ही बिरादरी का सहयोग नहीं कर रहे हो, और तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। इतना कहकर के वो उड़ गया वहाँ से, तीसरा पक्षी। अब जैसे तैसे मेरे भैया, जैसे तैसे उसने दोनों पक्षियों ने अपने घोंसला में बैठ करके रात्रि काटी। सुबह हुआ, बारिश बंद हुई, थोड़ी थोड़ी धूप खिलने लगी। अब जो उन कपोतक पक्षियों के जोड़ा में मादा थी, उसने कहा, पिया ये रात्रि के समय जो हमारे पास तीसरा पक्षी आया था, ये हमसे बार बार कह रहा था कि मूर्ख हो, ये मूर्ख क्या होता है, कौन होता है ये मूर्ख, इसके बारे में मुझे बताओ। तो मेरे भैया, आज उस नर पक्षी ने, कपोतक ने अपनी मादा को कहानी सुनाई है। एक सुनिए, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें लग जाएगी कि मूर्ख कैसे होते हैं, कौन होते हैं मूर्ख। किसी गांव में एक किसान रहा करता था और उसका एक बेटा था जो परदेश में नौकरी करने चला गया था, और उस बेटा की बहू आंगन में रहा करती थी। मेरे भैया, एक दिन वो बहू और नदी में स्नान करने के लिए गई, घर से घड़ा लेकर के नीर भर के उधर से लाएगी, स्नान करके आएगी। तब तक क्या हुआ कि कहीं से तीन राहगीर आ गए और तीनों राहगीरों ने हाथ जोड़ करके विनय किए, हमें इतनी तेज़ प्यास लगी है कि हमें थोड़ा पानी पिला दो, अन्यथा हमारी जान चली जाएगी। तो मेरे भैया, वो स्नान कर रही थी, शरीर पर इतने पर्याप्त वस्त्र नहीं थे जो उनके सामने जल से निकल करके
और उन्हें पानी पिला सके। तो उस पत्नी ने विचार किया है, उस किसान के बेटा की बहू ने, अगर इन्हें मैं पानी पिलाऊं तो ये मेरे शरीर पर पर्याप्त वस्त्र नहीं है, मेरे शरीर को नग्न स्थिति में देख लेंगे। तो उसने एक अकल निकाली, उसने कहा पहले इंसान जो तीन आए थे उनमें से पहले इंसान ने कहा हमें आप पानी पिला दीजिए, बहुत तेज प्यास लगी है। तो वो उस पत्नी ने कहा सुनिए तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा हम राहगीर हैं, हम पथिक हैं। बोले कौन हो? बोले पथिक हैं हम, यात्री हैं। तो उसने कहा मैं तुम्हें पानी जरूर पिला दूंगी, आप पथिक नहीं हो सकते। और आप पथिक हो तो कौन से पथिक हो? पथिक इस संसार में केवल दो ही होते हैं, उनमें से तुम कौन से हो? चक्कर में पड़ गया, विचार किया, बोले आज तक हमने तो ये सुना ही नहीं कि यात्री या पथिक दो होते हैं, और वो भी कौन से होते हैं, हमें तो मालूम नहीं, हम इसे जवाब क्या दें। बेचारा चुप रह गया, बोले अब ये पानी नहीं पिलाएगी। तब तक दूसरे ने सोचा, बोले भाई ये तो बहुत चतुर है। दूसरे ने कहा अच्छा ठीक है हमें पिला दीजिए। पत्नी ने उनसे भी प्रश्न पूछ लिया, बोले तुम कौन हो? है? उस किसान के बेटा की बहू ने उससे भी प्रश्न पूछ लिया, बोले तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं अनपढ़ गमार हूँ। क्या? बोले मैं अनपढ़ गमार हूँ पर मुझे पानी पिला दीजिए। अच्छा, तो उस बहू ने कहा अच्छा ठीक है, इस संसार में अनपढ़ गमार भी दो ही होते हैं, दो, तुम कौन से अनपढ़ गमार हो मुझे ये बता दो, मैं तुम्हें पानी जरूर पिला दूंगी। मेरे भैया इतना सोच करके, इतना सुन करके दूसरा भी चुप रह गया। उसने सोचा मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी सुना नहीं है कि अनपढ़ गमार दो होते हैं, और कौन कौन से होते हैं मैं इसे क्या बताऊं। वो भी बेचारा चुप रह गया। अब तीसरे वाले ने विचार किया, बोले अब ये मुझे मालूम पड़ गया किसी को पानी नहीं पिलाएगी, लेकिन कोशिश करके मैं भी देखता हूँ। तो तीसरे वाला आगे बढ़ा और हाथ जोड़ कर बड़े बड़े विनम्र निवेदन से बोला है बहन सुनो, तुमने, उसने कहा मैं पथिक हूँ, तुमने पानी नहीं पिलाया। दूसरे ने कहा हम अनपढ़ गमा रहे, हमें पानी पिला दो, प्यास लगी है, तुमने पानी नहीं पिलाया। प्यासे को पानी पिलाना ये धर्म हुआ करता है, एक बहुत बड़ा, भूखे को भोजन देना बहुत बड़े धर्म हुआ करता है, लेकिन तुम नहीं कर रही हो, तुम मुझे पानी पिला दो। उस स्त्री ने उनसे भी प्रश्न पूछ लिया, अच्छा तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो उस तीसरे ने कहा मैं मूर्ख हूँ, तुम मुझे पानी पिला दो। तो उस स्त्री ने वही सवाल फिर कर दिया कि मूर्ख तो इस संसार में दो हुआ करती हैं, तुम कौन से मूर्ख हो? मैं तुम्हें पानी तभी पिलाऊंगी जब आप ये बता दोगे कि तुम कौन से मूर्ख हो। बेचारा घबरा गया, बोले वाह इसने तो हम अपने ही बातों में फंसते चले गए, हमें तो मालूम भी नहीं है संसार में दो मूर्ख हैं या तीन हैं या चार हैं या पाँच हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, और हैं तो वो कौन कौन से हैं, अब मैं इसे जवाब क्या दूँ। मेरे भैया अब तीनों ने विचार किया कि ये इतनी हटीली है कि ये पानी नहीं पिलाएगी, लेकिन पत्नी का ऐसा कोई मकसद नहीं था, उस स्त्री का ऐसा कोई मकसद नहीं था, उसका तो केवल यही मकसद था कि उसके शरीर पर इतने पर्याप्त वस्त्र नहीं थे जो उनके सामने खड़ी होकर के पानी पिला सके, जल में बैठी है गर्दन तक जले। अब उसने कहा जब तीनों चल दिए वहां से, तो पत्नी ने आवाज लगाई ये इधर आओ। बोले कहो, एक काम कीजिए यहां से आप इस रास्ते पर जाइए, सबसे पहला घर मिलेगा मेरा, आप वहां पर जाकर के बैठिए, मैं आ रही हूं और मैं तुम्हें उस जगह पर पानी घर पर जरूर पिलाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। मेरे भैया तीनों उसके घर पहुंचे, अब वो पीछे जब वो निकल गए अपने वस्त्र पहनने के बाद धीरे धीरे मटकी लेकर के जल भर करके घर पहुंची, घर जा करके पानी पिलाया। लेकिन उसका जो ससुर था उसके दिमाग में एक बात आई, बोले मेरी बेटा की बहू बदचलन है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पर रह नहीं है, परदेश में नौकरी कर रहा है, और ये पानी भरने के बहाने से गई, पराए मर्दों के साथ रह रही है, पराए मर्दों को लेकर के घर पे आई है, उन्हें पानी पिलाया है। वो तो तीनों पानी पी करके निकल गए, लेकिन उसके दिमाग में विचार आया कि अगर स्त्री बदचलन हो जाए तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। कुग्राम भाषा कुलहीन सेवा कुपोच भार्या, जिस गांव की सभ्यता खराब हो जाए उस गांव से दूरी बनाओ, जिस परिवार की सभ्यता खराब हो जाए उस परिवार को छोड़ने में भलाई है, और जिस स्त्री की सभ्यता खराब हो जाए उस स्त्री से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब विचार किया है ससुर ने, मेरे बेटा की बहू है लेकिन ये बदचलन हो चुकी है, पराए मर्दों के साथ में रह रही है जिसका पति यहाँ पर है नहीं है, अब इसके साथ किया क्या जाए? अच्छा, इसका सजा इसे जरूर दी जाएगी, इसका न्याय जरूर होगा, अन्यथा ये किसी दिन हमारे पूरे परिवार को ले डूबेगी। तो वो किसान और अपने उस नगर का जो राजा था उस राजा के पास पहुंचा। कपोतक नर समझा रहा है अपनी मादा को, भद्रे सुनिए,
जब राजा के पास पहुंचा, राजा से शिकायत की, महाराज मेरे बेटा की बहू बदसलन हो चुकी है, मेरा बेटा यहाँ पर रहता नहीं है, बाहर नौकरी करता है, रोजगारी करता है, और मेरी बहू, मेरे बेटा की बहू पराए मर्दों के साथ घर आती है, उनके साथ बाहर रहती है, महाराज कुछ न कीजिए। तो देखो महाराज, राजा वही होता है जो छांट करके न्याय करे। राजा ने कुछ सिपाही भेजे और कहा, इस किसान की पुत्र वधू को तुरंत लेकर के आइए। मेरे भैया, अब जब कुछ सिपाही, राजा के मंत्री, उस बहू के पास पहुंचे तो बहू ने कहा, कहिए आप कैसे आए। बोले, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। तो वो समझ गई कि जरूर मेरे ससुर ने कुछ किया है। मेरे भैया, तो उन मंत्रियों से भी कह दिया, सुनिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले ये बताइए कि महाराज ने मुझे किस मकसद से बुलाया है, कौन से रूप में बुलाया है। बोले, मतलब रूप क्या। बोले, सुनो, स्त्री के तीन रूप हुआ करते हैं, एक बेटी का, एक माँ का और एक बहन का। ये बताइए कि किस रूप में बुलाया है मुझे, कौन से रूप में बुलाना चाहते हैं। मंत्री घबरा गए, मंत्रियों ने विचार किया, बोले हम क्या करें, अब क्या करें, क्या जवाब दें इसे। तुरंत लौट करके राजा के पास गए। महाराज, वो आना नहीं चाहती। बोले, क्यों। बोले, राजा का आदेश नहीं पालन कर रही है। बोले, कर रही है। बोले, फिर क्यों नहीं आती। बोले, उसने ये कहा है कि तुम्हारे महाराज कौन से रूप में बुलाना चाहते हैं। राजा समझ गए, बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। ससुर पास में बैठा है उस बहू का, और महाराज ने कहा, सुनिए, इस समाज में अब मुझे कोई ये बताए कि मैं उसे कौन से रूप में बुलाऊं। तो एक मंत्री ने सलाह दी, महाराज ये किसान है, हमारी ही प्रजा है, और इस किसान के बेटा की बहू है, तो हमारी भी बहू ही हुई, तो आप उसे बेटा की बहू के रूप में बुलाइए। महाराज समझ गए, तो मंत्रियों को इशारा दिया, बोले जाइए एक पालकी तैयार कीजिए, बहुत सुंदर सजा करके, और उसमें बिठा करके इज्जत के साथ बहू की दृष्टि से उसे लेकर के आइए। मेरे भैया, जब वो कहार पालकी लेकर के पहुंचे, कहा कि तुम्हें महाराज ने अपने बेटा की बहू के रूप में स्वीकार किया है, बहू के रूप में बुलाया है, हमारे साथ चलिए। मेरे भैया, आज वो पालकी में बैठ करके और तुरंत चली वहां से, कहां, जहां पर राजा बैठे हुए थे। एक गद्दी पर ससुर, नीचे ससुर खड़ा है, एक गद्दी पर राजा है, मंत्री महामंत्री सब लोग बैठे हुए हैं। बीच समाज में जाकर के खड़ी हो गई, झुक करके महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज ने कहा, क्यों, सुनिए, जब स्त्री बदचलन हो जाए, या तो आप हमारे नगर को छोड़ करके चली जाइए, या फिर इसकी सजा तुम्हें हम जरूर देंगे, क्योंकि बदचलन स्त्री को हम अपने नगर में नहीं रख सकते। बेचारी बहू चुपचाप खड़ी है। महाराज ने कहा, तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि तुम हकीकत में दोषी हो, ये बताइए तुम बदचलन क्यों हो गई हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तो उस बहू ने कहा है, महाराज मेरी एक बात सुनो, कहो, अगर किसी पथिक को, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी की मदद करना, अगर ये बदचलन का रूप है, तो महाराज मैं जरूर बदचलन हो चुकी हूँ। महाराज ने कहा, मैं समझा नहीं, मुझे साफ बताइए। बोले, महाराज मैं पानी भरने गई थी, तो वहां पर तीन प्यासे लोग आए थे, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, लेकिन मैं उस समय स्नान कर रही थी, मेरे शरीर पर इतने वस्त्र नहीं थे कि मैं उनके सामने निकल करके पानी पिला देती, तो मैंने अपने अकल लगा करके, अपने दिमाग से उन्हें बातों में घुमा करके उनसे तीन प्रश्न पूछ लिए, और वो तीनों प्रश्न ये हैं। एक ने कहा कि मैं पथिक हूँ, तो मैंने ये कह दिया कि पथिक तो केवल दो होते हैं, तुम कौन से पथिक हो। एक ने कहा मैं अनपढ़ गमार हूँ, तो मैंने कह दिया कि अनपढ़ गमार दो होते हैं, तुम कौन से अनपढ़ गमार हो, तब पानी पिलाऊंगी। तीसरे ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, तो मैंने यह पूछ लिया कि मूर्ख तो दो होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो, तब पानी पिलाऊंगी। तो महाराज जब उनसे जवाब नहीं आए, तो उन्हें लेकर के मैं घर ला करके मैंने पानी पिलाया है, अगर ये दोष है तो आप जो सजा देना चाहें वो मुझे सजा दे दें। महाराज का दिमाग घूम गया, बोले चतुर बहुत है ये, इसकी कोई कमी नहीं है। महाराज ने कहा चलो तुम बदचलन नहीं हो, अच्छी बात है, लेकिन महाराज के दिमाग में एक प्रश्न घूमने लगा। महाराज के दिमाग में भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जागने की, उत्तर लेने की इच्छा जागृत होने लगी। महाराज ने कहा अच्छा, तुमने फिर उनको उत्तर क्या दिया, बताया। बोले महाराज मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, अगर तुमने प्रश्न किया है, अगर सामने वाले पर नहीं आ रहा है, तो फिर ये धर्म होता है उसका प्रश्नकर्ता का कि उसे आंसर जरूर देना चाहिए। उसने कहा महाराज मैं तुम्हें बता तो दूंगी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। बोले जो तुम चाहो वो। क्या। बोले हाँ, जो तुम चाहो वो। तो उसने कहा सुनिए महाराज, ज्यादा तो हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि अगर तीनों प्रश्नों के तुम उत्तर लेना चाहते हो, तो मुझे केवल इतना कह दीजिए कि आधा राज्य दे दीजिए। महाराज को इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि तीनों प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए कह दिया कि जाओ और हम तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य जरूर देंगे, लेकिन इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताइए।
उसने पूरे कागज तैयार किए, लिखवाया, आधा राज्य अपने नाम करवाया। उसके बाद में उत्तर देने के लिए खड़ी हुई। समाज में बहुत भारी भीड़ लगी है। नगर निवासी स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सब देखने के लिए आए हैं कि एक किसान की बहू ने और महाराज से आधा राज्य ले लिया है। केवल तीन प्रश्न कौन से प्रश्न है, उनका उत्तर क्या है सुनने के लिए मेरे भैया। अब उस बहू ने प्रश्न उत्तर देना प्रारंभ किया। बोलिए महाराज, जब पहले पथक ने मुझसे कहा था कि हम राही हैं, हम पथक हैं, तो मैंने उससे ये पूछा था कि पथक दो होते हैं, कौन से हो तुम? तो महाराज दिनों, इसका उत्तर ये है कि पथक तो दो ही होते हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य, जो दिन और रात घूमते रहते हैं, दिन और रात चलते रहते हैं, जिन्हें कोई पता नहीं है। लेकिन उनसे ये उत्तर नहीं आया था। महाराज ने कहा, बोले बात तो सही है, हकीकत में दोनों पथक हैं, दोनों घूमते घूमते इस पृथ्वी को रोशन करते हैं मेरे भैया। महाराज ने कहा, चलो दूसरे का बताइए। दूसरे ने कहा था कि मैं अनपढ़ गमार हूँ। तो कौन से अनपढ़ गमार थे हैं वो दो? उन दोनों अनपढ़ गमार को मुझे बताइए। तो उस बहू ने बताया, महाराज सुनिए, दूसरे से मैंने प्रश्न किया था कि तुम कौन से अनपढ़ हो? दो हुआ करते हैं। तो महाराज अनपढ़ गमार भी दो होते हैं। बोले कौन? बोले होते हैं अन्न और पानी, जो विद्वानों का भी पेट भरते हैं, मूर्ख लोगों का भी पेट भरते हैं, जो बिल्कुल पागल हो उसका भी पेट भरते हैं, सबके साथ में बराबर व्यवहार करते हैं। तो महाराज इस संसार में यही दोनों अनपढ़ गमार हैं। महाराज ने कहा, बोले बात बिल्कुल सही है। चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, चाहे कोई हो, बराबर बिल्कुल एक जैसा सेम स्वाद देते हैं ये दोनों। बोले प्रश्न बिल्कुल सही है तुम्हारा। अब तीसरा प्रश्न ये है कि इस संसार में दो मूर्ख हैं, और वो मूर्ख कौन कौन से हैं, उनका और हमें बता दीजिए। तो उस किसान के बेटा की बहू ने कहा, महाराज सुनिए, इस संसार में दो सबसे बड़े मूर्ख हुआ करते हैं, और उनमें सबसे पहले मूर्ख है मेरे ससुर। बोले क्यों? बोले मेरे ससुर इसलिए मूर्ख हैं कि घर की बात कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अगर मेरे ससुर मुझसे सीधा सीधा पूछ लेते तो यहाँ तक मेरे परिवार की इज्जत नहीं उछलती, दरबार तक मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे पहले ही पूछ लेते तो घर की बात बता करके इंसान को हमेशा अपनी ही बदनामी सुनने के लिए मिलती है मेरे भैया। किसी को कभी भी घर की बात, अपनी सीक्रेट बात नहीं बतानी चाहिए। सबसे बड़े मूर्ख हैं मेरे ससुर, जो जिन्होंने मेरे ऊपर शक करके और अपने परिवार की पोल आकर के तुम्हारे सामने खोल दी, जो कि मुझे आज इस दरबार में हाजिर होना पड़ा। राजा ने कहा, चल ठीक है, अच्छा ये बताओ दूसरा मूर्ख कौन है? बोले दूसरे मूर्ख हो महाराज आप। राजा को क्रोध आया, बोले मुझे मूर्ख बता रही है? बोले हाँ महाराज, दूसरे मूर्ख आप हो। बोले क्यों? कि तुमने केवल मेरे तीन मनगढ़ंत प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अपना आधा राज्य मुझे दे दिया। तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई हो नहीं सकता है। महाराज को अपने किए पर पछताना होने लगा। बोले बात बिल्कुल सच कह रही है, बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि संसार में वो भी मूर्ख होता है, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इंसान को कुछ भी काम करना चाहिए सोच समझ के अपना काम करना चाहिए, अन्यथा वरना बाद में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचता। तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। उत्तर देने के बाद आधे राज्य के मालिक बन गई है वो किसान के पुत्र की बहू, आधा राज्य ले लिया महाराज से। अब ससुर को चिंता हुई, बोले वाह मेरी बहू तो बहुत चतुर है मेरे भैया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अगर मुसीबत में पड़ रहा है तो उसे अपने दिमाग से हमेशा हैंडल करना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि इस मुसीबत का सामना कैसा करें। और ये बात हकीकत है कि संसार में ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो टल नहीं सके, अगर हम दिमाग से सोचें तो। तो दोस्तों इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कोई सी बात आप लोगों के दिमाग में टच हो जाए। और ज़िंदगी सुधरने के लिए केवल एक बात ही काफ़ी हुआ करती है, एक बात अगर इंसान के दिमाग में टच हो जाए तो उसका जीवन बन सकता है। तो जय श्री राधे दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सहयोग जरूर करें, हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो परिवार और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।